नजर आ रही है। आज 29वां दिन है किसान आंदोलन का, दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और कहा है कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार को, तभी आंदोलन खत्म होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। लगातार 29वां दिन और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आज किसानों की सुबह कैसी है, क्योंकि लगातार 28 दिन हो गए हैं, आज 29वां दिन है, क्या कहना है किसानों का? देखिए काजल, आपको बता दें कि लगातार 28 दिन बीत चुके हैं और आज 29वें दिन की शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही यूपी गेट पर मैं देख रहा हूँ यहाँ तमाम किसानों का जमावड़ा और लगना शुरू हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली और तमाम उनके जो वाहन है वो पूरी तरीके से यूपी गेट को घेरे हुए हैं। किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रस्ताव हालांकि सरकार की तरफ से दिया गया था जो कि ठुकराया गया है। किसानों का कहना है कि किसी भी तरीके के अमेंडमेंट के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि कृषि बिल पूरे तरीके से वापस हो, तभी वो यहाँ से हटेंगे। उनके जो बड़े नेता है वो लगातार उन्हें बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी फोन न किया जाए, यानी सौहार्द न बिगाड़ा जाए, शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाए। ये आंदोलन अंचल में भी बदला और तमाम बातें भी हुई, लेकिन किसानों से लगातार प्राइम न्यूज बात कर रहा है, किसानों के मुद्दे को दिखा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो अब तक निकल के सामने आया है, लगातार किसानों से बातचीत करने के बावजूद भी अब तक ये साफ हो चुका है कि किसान किसी भी तरीके से अमेंडमेंट यानी किसी भी तरीके के बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे मौजूद है कुछ किसान, उनसे बात कर लेते हैं जो कि हमारे साथ आए हैं। सुबह सुबह का वक्त है, आज 28 दिन खत्म हो चुके हैं, 29वें दिन की शुरुआत है। प्रस्ताव ठुकराया गया है सरकार के द्वारा, प्रस्ताव आया था जो कि पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया है। अमेंडमेंट के लिए यानी कि किसी भी तरीके के समझौते के लिए आप तैयार नहीं है, क्या चाहिए, कैसे करें समझौता जी, क्या करेंगे गाँव में जाकर, भूखा मर रहा, यहाँ नींद आ रही, गाँव में नींद नहीं आ रही, तो क्या करेंगे किसानों से क्या? देखिए कहीं ना कहीं जो है हमारे पीएम जो वादे कर रहे थे वो भूल चुके हैं और उनको ये भी मालूम है कि ये किसान और मजदूर है जो दिल्ली का रास्ता दिखाता है, फिर भी इन लोगों की समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। आज से पहले जो वादे थे किसान को दुगुना कर देंगे, कब होगा किसान दुगुना, ये काले कानूनों से होगा किसान दुगुना? किसी भी तरीके के अमेंडमेंट जो बात करी जा रही है कि बदलाव इसमें ला दें कृषि कानून में, तो क्या इसमें क्यों नहीं दिया? पहले तो भैया जी, जब सरकार कोई कानून बनावे किसान के हक में, मजदूर के, तो उनमें कम से कम किसी की सुलह ले, सुलह लेने के बगैर कानून बना रहे। अब से 15 साल पहले हमारी फसल के जो रेट थे उसके हिसाब से जो आज महंगाई है, हमें वो रेट दे दो, हमारे कानून मानो जो बना रखे काले कानून उन्हें वापसी लो। कहीं किसान के अंदर जो दर्द है, आंखों में जो नमी देखने को मिल रही है, जो इनकी आंखों में नमी है, वो कहीं ना कहीं ये बयां कर रही है कि दर्द तो है। अब ये जो दर्द है वो साफ तौर पर बयां किया जा रहा है, यूपी गेट पर तमाम किसान मौजूद है, अपनी बात से कहा जा रहा है कि हम बात नहीं करेंगे अब सरकार से, क्योंकि जो वार्ता प्रस्ताव था वो भी ठुकरा दिया गया है। लेकिन जितेंद्र, अगर बात नहीं होगी तो फिर आखिर कैसे रास्ता निकलेगा, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी किसानों और सरकार के बीच, तब तक कोई भी रास्ता निकल पाना बेहद मुश्किल है। इनसे बात करिए और पूछिए कि आखिर जो किसान नेता है, जो किसान यूनियन के संगठन के नेता है, वो किस तरह से अब आगे प्लानिंग कर रहे हैं, क्या रणनीति होगी आगे? देखिए, वार्ता तो ठुकरा दी गई है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से बात की जा रही है, आपके जो नेता हैं बड़े वो किस तरीके से आपको बता रहे हैं? अगली रणनीति तो ये है जी, पड़े अपना यहीं पे गांव में क्या करेंगे, वहां बच्चे भूखे मर रहे, यहाँ भूखे मर रहे, सर्दी में नींद नहीं आती, ये रणनीति पड़े। जब तक सरकार कुछ फैसले सही नहीं लेगी, जब तक वापसी नहीं जाएंगे। परिवार में 5 लोग हैं, 2 लड़की 1 लड़का। आप किसानी करते? हाँ जी, खेती करते हैं, और सोच भी यही थी खेती करेंगे, लेकिन खेती करने से कोई लाभ नहीं है आज के युग में। जी हाँ, सरकार ने जो है बिल्कुल किसान धरती में उतार दिया।
यहाँ पे आए हैं लगातार यहाँ बने हुए आज बदले। भाई जी दर्द तो इतना है, जो मोदी जी हैं इनसे मेरी तो यही निवेदन है कि भाई जो भी किसान चेहरा इसकी मांगे पूरी कर दी जा, अन्य फिर धोखा खाओगा मेरे प्यारे, जगह नहीं मिलने की तुझे कहीं भी, फैल हो जाएगा सिस्टम तेरा, बड़े बड़े फैल हो गए। 70% किसान है इस देश में, मजदूर भी इसी से जुड़ा हुआ, दुकानदार भी इसी से जुड़ा हुआ, आड़ती भी इसी से जुड़ा हुआ, सब सौदा इसी से जुड़ा हुआ। ये भी दुखी होगा तो मान लो पूरा संसार दुखी होगा निश्चित तौर पर। यू आप देख लो कोई ना अच्छे से दुकान चल रही, सब ठल्ली बैठे, क्यों इसका धान भी क्या बिचारेगा, पैसा नहीं आ 1800 का कुछ मूल्य रखा वो फिर बिखरा हो 800। वार्ता करने के लिए तो सरकार तैयार हुई है ना? अजी वार्ता करने के लिए तैयार होती पहले सलाह लेगा, बिल पास करती, क्यों करे आयु खाम का अपना भी बिल पास, आग में चौधरी बन गया तो थोड़ा कह दिया उल्टा काम कर दूंगा मैं। बीच का रास्ता कैसे निकले? बीच का रास्ता तो है निकलेगा, बैठ के बातचीत होगी, वार्ता करने आवे ये भी जाएगा, कुछ होगा हमारे पब्लिक के बीच। तैयार हुई है सरकार? तैयार तो हुई, बिल तो नहीं वापस लेती, बिल तो वापस लेना पड़ेगा, या इसमें संशोधन ऐसा करे भाई सारा मामला साफ हो। हमारे भी आदमी बैठे हैं जितने भी किसान यूनियन के अध्यक्ष है, जहाँ जहाँ गए सब बैठ के वार्ता करे किसान नेता, और जब जाएगा जो सिस्टम बीच का रास्ता जी भी निकलेगा, संशोधन हो या ना हो लेकिन उससे पहले बात की जाए, बात की जाए, साफ हो मामला है भाई कहाँ गड़बड़ी है, किस लाइन में दिक्कत है, सारा सिस्टम सही करके और सब काम चालू होगा। जी वार्ता करनी नहीं रहा कोई, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, मजे ले रहे अपना, यहाँ ठंड में पड़े किसान तो ठुकराई गई है ना किसानों की तरफ से, ठुकराई तो नहीं, जब कोई वार्ता करना आता ही नहीं, वार्ता करने चौधरी आगरा और टटपूजों ने भेजा किसी को नहीं, चौधरी आओ वार्ता करने यहाँ, उसकी क्या होगी वार्ता, कौन किससे चाहिए आपको बात, मोदी जी तो होगी वार्ता, मोदी जी थोड़ी समाज है तो मीटिंग बुलाओ गई, ये नेता चले जाएंगे, हम चले जाएंगे जहाँ बुलाते हो, हम गुना टाल कर रहे हैं भाई, हमारे नेता जितने भी हैं वहीं जाएंगे जहाँ बुलावे बुलाओ। जो बड़े नेता है उनका साफ तौर पर ही कहना है कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम वहां जाएंगे जहां वार्ता की जाएगी, लेकिन जो वार्ता की अगर बात की जा रही है तो वार्ता विफल हो रही है एक तरफ से, लेकिन जितने देखा जाए तो एक तरफ किसान ही कह रहे हैं कि जो कानून है ये वापस लिए जाए, जो भी कृषि कानून है सरकार, लेकिन की मंशा साफ है, सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर सरकार को कृषि कानून वापस लेना होता तो पहले ले चुकी होती, इस तरह से किसानों को ना समझाती, तमाम किसान सम्मेलन करके तमाम संबोधन में किसानों का जिक्र हो रहा है, कृषि कानून को बेहतर बताया जा रहा है किसानों के लिए, तो मंशा साफ है। ये जो यहाँ पर डटे हुए किसान ये कह रहे हैं कि वापस किसान सरकार जो है ये कृषि बिल को ले तब हम यहाँ से आंदोलन खत्म करेंगे, सरकार कह रही है कि कृषि बिल जो है वो किसानों के हित में है, तो फिर ऐसे तो रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल काजोल, वही मैं कह रहा हूँ कि जो बीच का रास्ता है वो निकलेगा तब जब दोनों तरफ से ही सामंजस्य बैठाया जाएगा, कुछ सरकार माने और कुछ किसान, लेकिन बावजूद इसके ना किसान मानने को तैयार है ना ही सरकार मानने को तैयार है। किसानों का कहना है कि ये जो काला बिल है इसको बुरी तरीके से वापस लिया जाए, और जबकि जो सरकार है वो लगातार इस बिल के फायदे किसानों को बता रही है, तो ऐसे में सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। एक बुजुर्ग किसान है जो कि काफी उम्र दराज है, इनसे बात कर लेते हैं, सिख है, और कहाँ से आए बाबू जी आप? हापुड़ से, हापुड़ से गांव कुडलिया घाट मुक्तेश्वर के पास। वार्ता की बात की गई थी, वार्ता बातचीत के लिए कहा गया था, लेकिन किसानों ने वार्ता को ठुकराया, क्या कहिए? वार्ता को ठुकराया, बूझ ले हमारे टिकैती बैठे है, वार्ता को करे भी कहीं उतरो, न्यू कह दे संशोधन करूंगा उच्च न्यू कह दे भैया, तो संशोधन का करना न्यू लिख दे तीनों ये खत्म। बात घूम फिर के वही है कि जितेंद्र कहा जा सकता है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है किसानों के अंदर, किसान जो है वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ से आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जितेंद्र एक बात और किसानों से पूछनी है कि इतनी ठंड पड़ रही है, क्या इंतजाम इन्होंने किए हुए हैं, सरकार की तरफ से क्या कोई मदद मिल पा रही है, और परिवार किस तरह से यहाँ पर रह रहा है इनका, क्योंकि ये यहाँ पर है और गाँव में इनके परिवार है, कैसे खेती कैसे हो रही है वहाँ पे, कौन जिम्मेदारी ले रहा है सभी? बाबू जी एक बात जानना चाहेंगे, इधर आ जाइए, एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उम्र दराज हैं और किसान हैं, यहाँ पे आए हैं, तो इस समय आपके परिवार को कौन देख रहा है और ठंड में कैसे बीत रहा है आपका दिन और रात? देख भाई ठंड की तो सुन ले तो लू, अब हम तो पैदा ही ठंड में हुए हैं, ना हमें गर्मी लगे ना ज्यादा लगे, हमें ना लगता कुछ भी। अब एक बात और सुन, बनावट नहीं है हमारी बात में, हमारे अगर किसी किसान को तू एक को भी कोरोना बता दे तो हम तेरी टांग साले को लेकर गया।
हमारा कोरोना नहीं होता, कोरोना होता ही इनका हुआ, हमारा कोरोना हुआ, कोरोना साला हम तो कोसों दूर भगे। अब रही बात की बात, बात बहुत गौर से सुन ले, आंदोलन तो होते रहते हैं, हमारा आंदोलन हुआ कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस भी हमारी नहर में ट्रैक्टर गेर दिए, और फिर जब कांग्रेस लाइन पाई तो हमारे वे ट्रैक्टर भी दिए, नए दिए, बात मानिए, बात मानिए। बिल्कुल जितेंद्र, यानी कहा जा सकता है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है और रास्ता अभी भी साफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है, लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान जो है वो डटे हुए हैं। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है, संशोधन नहीं चाहिए किसानों को, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार को तभी आंदोलन खत्म होगा, ऐसा किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की प्राइम न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। जितेंद्र बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, संशोधन नहीं चाहिए, तीनों कानून जो है वापस लिए जाए तभी किसान यहां से हटेंगे। और आज के एजेंडे की अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे, लखनऊ से मिल रही है, जहां पर ग्राम प्रधानों के वित्त अधिकार सीज होंगे, कल खत्म होगा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल। पंचायत निदेशक किंचल सिंह ने आदेश जारी किया है, जिले के सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए।